तो उसमें आर्मी का जहाज आधा डूब गया था, कुमाऊं रेजिमेंट, तो उन्होंने जयकारा लगाया मैया का यहाँ हाटकाली का, तो हवा जहाज ऊपर को आ गया। जो यहाँ पे बिस्तर लगा है ना, माना जाता है यहाँ पे माता काली स्वयं रात में सोती है। पैसे नहीं है फिर आप कहोगे फिर सो हेलो इंटरनेट, तो आ चुके हैं ब्लॉग के साथ, मैं भी उठ चुका हूँ और आज मेरा प्लान है हाटकाली मंदिर जाने का और पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर जाने का। तो ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, सब तक के लिए ब्लॉग देखो आप। सो ये है मेरे गांव की रोड और इतनी अच्छी रोड है ना यहाँ, देखो मस्त से चलती है इधर गाड़ी। तो अभी हम बैना के पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, पुराने वाले पे, यहाँ से नहीं भराया हमने, पुराने वाले से भराया, यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता बोलते हैं। और यहाँ पे अभी गाड़ी की थोड़ी सी चेकिंग हो रही है ना, ब्रेक व्रेक सारा चेक करके फिर चलते हैं आगे को। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं माँ हाटकाली का मंदिर और ये देखो, ये वो देखो, व्यूज चेक करो कितना मस्त है। यहाँ से आधे पेड़ अलग है यहाँ से और आधा पेड़ अलग है, देखो। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गंगोली हाट और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी हमने यहीं पे लगाई है, तो चलते हैं सीधे आगे को। तो हम मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे निकल पड़े हैं और ये मंदिर में ले जा रहे हैं हम। हो जाए हो, अभी आते हैं बाबा जी, अभी आ जाते हैं, ठुकराया नहीं है, मंदिर के दरबार में जा रहे हैं हम, क्या ठुकराते हैं हम। बाबा जी यहाँ पे मंदिर काली माता का हुआ ना? अच्छा कितने साल हो गए यहाँ, मतलब स्थापित हुआ? जब से जब अंग्रेजों का राज था। अच्छा जब से, हाँ जब पांच पांडवों का मंदिर बने थे। हाँ जब से अभी आते हैं बाबा जी, ऊपर को आते हैं। आज एक भोजन करना चाह रहे थे दावत से होते यहाँ से, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेते ही हम आगे चल पड़े हैं। तो चलते हैं मंदिर में बाबा जी। तेरी यात्रा सफल कष्टी पूरी करेंगे, आज कुछ सेवा नहीं करेगा तेल के लिए, जैसे तेल जलेगा बेटे ऐसे तरह का चलेगा महाकाल। पैसा ही नहीं है बाबा जी, दक्षिणा ही नहीं है, मंदिर में आ रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ तो चल पड़े हैं हम आगे को और सभी लोग यहाँ पे साइडों पे बैठे रहते हैं, बाबा जी माता जो भी है। यहाँ पे जूते वूते खोलने के बाद हम चलते हैं मंदिर को। ये है काली माता का मंदिर। तो यहाँ पे हमने पहले हाथ पांव धोए फिर उसके बाद हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जय माता दी। जो यहाँ पे बिस्तर लगा है ना, माना जाता है यहाँ पे माता काली स्वयं रात में सोती है। तो प्रसाद लेने के बाद हम चल पड़े हैं माता के मंदिर की परिक्रमा करते हुए। जय माता जी। गेट बना गया है श्री कुमाऊं राइफल के द्वारा और ये फिफ्थ कुमाऊं के द्वारा। लगभग जितने भी गेट है ना सारे आर्मी वालों ने ही बनाए गए हैं, क्योंकि इतनी शक्ति है ना माता के अंदर। कुमाऊं रेजिमेंट। गाइस अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ बकरियों की बलि दी जाती है। बलि क्या मतलब, एक चढ़ावा दिया जाता है माता को। तीन लोग हैं, 300-600 रुपये दिन के कितने काट देते हैं। नहीं करेगा, एक तो दिक्कत नहीं है, छोटी करेगी नहीं। यहाँ बेटे सबको करता है, वो फिर वो भी लोग लगता है।
के अंदर से हाँ गर्दन भी देखो ना पूरा खा भी नहीं खा लेता बिजनेस चल रहा है अभी मंदिर थोड़ी बिजनेस ही होगी दिन का भी देखो ये बदबू कितनी गंदी आ रही है जैसे ता की इतनी कृपा ठहरी ना जो भक्त भी आता है यहाँ घंटी चढ़ा जाता है। देखो किस हिसाब से किस कदर से यहाँ घंटियाँ जमा है। अभी तो इतनी ही है ऊपर और है देखो बोरियाँ बोरियाँ हैं। ऐज होने ये कमरे ऐज हो हाँ यहाँ है ये बोरियों में है और दूसरे कमरे में भी है और माता की इतनी शक्ति है ना यहाँ हर भक्त आता है तो सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज मेरे साथ हैं माँ काली के मंदिर के पुजारी तो उनसे जानते हैं माता की महिमाएं क्या थी कैसी थी। 12वीं शताब्दी पूर्व का मंदिर है ये हाँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया ये मंदिर तो 12वीं शताब्दी में घूमते हुए आए ना हाँ हाँ तो उत्तराखंड भ्रमण में आए थे हाँ। तो उन्होंने चारों तरफ देखा ये यहाँ पे ज्वाला निकलती थी जो शक्ति पीठ है ना बीच में अच्छा शक्ति कुंड हाँ वहाँ से ज्वाला निकलती थी हाँ तो आए उन्होंने उनको आभास हुआ कोई शक्ति है करके हाँ। तो यहाँ पे रुके उन्होंने इसको कीलित किया मंत्र द्वारा बंद किया कड़ाओं से सात कड़ाओं से तो तब से आदि गुरु शंकराचार्य ने माँ की शक्ति के रूप में महाकाली की स्थापना की। अच्छा महाकाली की स्थापना की फिर एक मान्यता इसे कुमाऊं रेजिमेंट वाले बहुत मानते हैं इसको आर्मी वाले ना तो जब बर्मा युद्ध था तो उसमें आर्मी का जहाज आधा डूब गया था कुमाऊं रेजिमेंट का। अच्छा कुमाऊं रेजिमेंट हाँ लोकल के थे उसमें कुमाऊं रेजिमेंट के थे तो उन्होंने जयकारा लगाया मैया का यहाँ हाट काली का था हाँ। तो आधा डूबता हुआ जहाज ऊपर को आ गया उनका। अच्छा माता की कृपा से यहाँ तब से मैया को मानते हैं इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं कुमाऊं रेजिमेंट वाले बड़े बड़े अधिकारी आते हैं सब आते हैं मैया के दर्शन के लिए। अच्छा और गेट वेटो का निर्माण ये सब कुमाऊं रेजिमेंट वाले ही करते हैं। अच्छा सभी गेट कुमाऊं रेजिमेंट अभी तक कितने गेट बन चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे 8-9 गेट तो बनी गए उनके। अच्छा कुमाऊं रेजिमेंट वालों ने बना सात ऊपर तक सब उनके ही गेट है। अच्छा बिस्तर लगाते हैं माता जी का संयम मतलब हाँ तो सुबह उसमें सलवटें आई रहती है। अच्छा ये मैया की शक्ति है। अच्छा ऐसा आभास होता है कि कोई सोया है बोलते हैं वो तो ऐसे आभास से प्रतिदिन होता है। अच्छा हाँ जैसे आप बिस्तर लगाते हो तो रात को मतलब रात को अगर सेट करके रात को अच्छी तरह से लगा सुबह सलवटे आए रहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कोई सोया है। ये माता शयन करती है ये शक्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब जैसे कोई करके जाता है ऐसा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं माता की चैनल आगे जी न्यूज आज तक रात भर यहाँ बाहर बैठे थे वो ना कोई आता है नहीं आता ये भी होता है ना बहुत से लोग सोचते हैं अंदर देखा उन्हें सुबह वो भी मान गए मैया को। अच्छा कहने लग गया हाँ भाई शक्ति है रात को जो उन्होंने भी इस तरह देखा सोई सुबह वही देखा। अच्छा वैसे देखा सलवटे आए वो भी मान गए मैया को हाँ माता की शक्ति है। हाँ माता की तो बहुत शक्ति है वैसे। दोस्तों ये बना रखा है कुमाऊं रेजिमेंट वालों ने तो ये एक छोटा सा गेस्ट हाउस है जिसमें काफी कम पैसों में आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। देखो कोई भी रह सकता है। तो माता की इतनी शक्ति है जैसे कि जिसे जाना हमने यहाँ माता की शक्ति इतनी काफी है अगर कोई सच्चे दिल से आता है तो हम माता के दरबार से चल पड़े तो चलते हैं आगे को मंदिर से ही आ रहे हूँ। अच्छा पैसे नहीं है फिर आप कहोगे फिर नहीं पैसे नहीं तो क्या बेटा पैसे नहीं लगाना बेटा पैसे यार कभी कभी ना हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं क्योंकि मैं अचानक से आया तब मेरे उसमें ऑनलाइन है तो यहाँ से मैं दक्षिणा नहीं दे पाया पर ऐसी कोई बात नहीं अगली बार जब आएंगे कुछ बन के आएंगे तो जरूर देंगे हम। लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए वाह पैसे तो सबके पास आ ही जाते हैं। तो सभी लोगों ने दर्शन कर लिए हैं माता रानी के तो अब हम जाएंगे पाताल भूमेश्वर। 200 रुपए चार लोगों के चार लोगों का 200 बिजनेस कर दिया बढ़िया वाला है ना। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने सातों अजूबा इसको घोषित किया। अच्छा